मुस्कुराइए कि आप लखनऊ से मुल्तान इमारत बड़ा इमाम बाड़ा में किला जवाब इमारत कहाँ से पर्यटक आने वाले मेहमानों के लिए धूप पंडोली का मरकज भी है। 11 साल लगे इस इमाम बाड़े को बनाने में। 22,000 लोगों ने मिलकर इस इमाम बाड़े को बनाया था कि रात में तोड़ी जाती थी ये बिल्डिंग और दिन में बनाया जाता था। इस छत से लखनऊ की आधी सिटी दिखती है, अपने किसी साइड भी देखेंगे आधी सिटी दिखेगी। इस साइड पे न्यू हैदराबाद है, अलीगंज निशादगंज जैसे एरिया आते हैं। इस साइड चारबाग स्टेशन, नाका चारबाग स्टेशन जैसे एरिया आते हैं। इस साइड ओल्ड लखनऊ है और इस साइड पे न्यू लखनऊ। यहाँ पर हम आपको 5 मिनट देंगे, 5 मिनट में आपको रास्ता ढूंढना। यहाँ पे 4 रास्ते हैं, 3 गलत 1 सही। ए भाई, ये तो सीधा है, इधर भी सीधा है, नीचे आ गया। तो जाना किधर है? कहीं जाइए, बस निकल जाइए। ये देखिए, जबरदस्त यार, वाकई में बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा देख सकते हैं। तो हाँ मेरे दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत होंगे। तो अभी मैं हूँ लखनऊ इमाम बाड़ा में। पीछे का ये खूबसूरत सा नज़ारा, ये मस्जिद आसिफी है, ठीक है। और ये हमारे पीछे आप देख सकते हैं काफ़ी लाइन लगी है, ये भूल भुलैया। तो पहले हम चलने वाले हैं भूल भुलैया। भूल भुलैया में जाने से पहले मैं आप लोगों को बाहर से थोड़ा सा नज़ारा दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए कैसा काफ़ी खूबसूरत सा नज़ारा वाकई में। तो ये देख सकते हैं, ये ऊपर है मेरे दोस्तों भूल भुलैया, और ये नीचे है इमाम बाड़ा, नीचे है मज़ार है, ये सब है, ठीक है। तो देख सकते हैं, और जितने भी यहाँ पे बादशाह गुजरे हुए हैं सबका यहाँ पर फोटो लगा है। और ये है भूल भुलैया का रास्ता, यहाँ से हमें जाना है ऊपर की तरफ, और नीचे से हम जाएंगे 45 स्टेप जाने के बाद वहाँ पर रुकेंगे, फिर वहाँ से भूल भुलैया का रास्ता शुरू होता है। ये सब जितना भी ये विंडो देख रहे हैं ना, ये भूल भुलैया का हिस्सा है, ठीक है। 4 फ्लोर में है, तो पूरी एक जो है घूमते हैं। देखिए, हम यहाँ से जाएंगे भूल भुलैया में। और ये सीधे ऊपर छत पे चला गया है, और ये रास्ता सीधे अंदर भूल भुलैया की तरफ चला गया। नीचे से 45 सीढ़ी हम चढ़ के ऊपर आए यहाँ पर, यहाँ से अंदर भूल भुलैया। ये दूसरे माले की छत है, और ये तीसरे माले की, और ये ऊपर टॉप पे चौथे माले की, ठीक है। एक साइड दो माले, 20 कदम, चलिए चलिए। बड़ी पतली पतली गली, 20 कदम बाद रुकना है। हाँ, नहीं, ये आप गली से 20 कदम रुकना है, गली से आगे 20 कदम पे। हाँ, गजब यार, एकदम पूरी सुरंग है। नीचे उतरना, ये देखो सीढ़ी यार, आप लोग आते रहिए आगे। पर एक स्टेप पे देख के सब लोग उतरेंगे, ठीक है। अभी जो लोग मेरे साथ बाहुली में थे, हमने उन लोग को बताया था जमीनी रास्तों के बारे में। जब इस बिल्डिंग को बनाया गया था 1773 में, यहाँ पर जमीनी रास्ते बनाए गए थे, जो रास्ते यहाँ से 50-60 किलोमीटर की दूरी पे खत्म होते हैं। ये रास्ते कहाँ पर निकलते हैं? दिल्ली, कलकत्ता, फैजाबाद और आगरा जैसे हाईवे पे ये रास्ते निकलते हैं। 1975 में इन रास्तों को दोबारा खोला गया था, लेकिन ये रास्ते उस कंडीशन के नहीं, हमेशा के लिए इन रास्तों को बंद कर दिया गया। नीचे गेट है और गेट में लॉक लगा दिया गया है, ठीक है। आप लोग सब लोग यहाँ से स्टेप उतर के तीसरी वाली विंडो पे चल के बेटे रुको, तीसरी विंडो पे रुकेंगे सब। तीसरी विंडो, ये हो गई पहली विंडो, और ये आगे हो गई दूसरी विंडो, ये और ये है तीसरी विंडो आगे। आज तुम ही गाइड हो, आगे आइए सर, आगे आते रहिए। देखिए, आज हम लोग कोई भी इमारत या कोई भी बिल्डिंग या घर बनवाते हैं,
अपनी सिक्योरिटी के लिए कैमरा लगाते हैं, ठीक है। एक कैमरा हमने आपको बावली में दिखाया, एक कैमरा यहाँ पर है। अभी आप लोग जिस रोड से आए हैं उस रोड से इस बिल्डिंग की दूरी जहाँ पर हम लोग खड़े 930 फीट की दूरी पे खड़े, उस जमाने का चोर दरवाजा इसको कहा जाता था। आप लोग देख के आगे बढ़ेंगे, सामने छोटे आले दर में स्ट्रेट चलेंगे, वो सामने रोशनी देख रहे हैं, राइट हैंड पे गैलरी है, वहाँ पर एकदम माइंड में खिड़की है ना, खिड़की ये खिड़की है ना, खिड़की खिड़की तक बाहर का दरवाजा तक दिखा था, देखा। हाँ चलिए आगे चलते हैं, जबरदस्त यार चोर दरवाजा, वहाँ से पूरा बाहर। हाँ ये देखिए यहाँ से भी चोर दरवाजा है, हाँ ना जबरदस्त यार, यानी सिक्योरिटी दरवाजा यहाँ से छुप करके देखा करते थे। गुड यार, पहले का दिमाग देखो कितना तगड़ा हुआ करता था। क्या दिमाग, ये क्या चीज है भाई, यही भूल बोले यही से उतर जाने का शॉर्टकट रास्ता है। हाँ तो हाँ भाई, कहाँ रुकना है, इधर जाना है, एकदम सीधे बोलना भाई, कुछ रास्ता बंद किया हुआ। असल बात दरगाह है ना, दरगाह इसके लिए नहीं दिए, ये हम आ गए लास्ट में। हाँ बोलिए सर, हाँ भाई अच्छा वापस, अरे आगे पीछे आगे पीछे। गजब का पतला पतला रास्ता है भाई, ये देखो चिड़ी, ये बाहर का नजारा, अरे बाप सीढ़ी एकदम पूरी खड़ी है यार, ये देखो लाल जो है ईंट है ना, वो ईंट है, ये देखो किधर किधर लेके जा रहा है भाई, इधर भी देखो छोटी छोटी खिड़की, ये हम आ गए ऊपर। आ जा भाई, अब आ गए हम इधर, अरे आ गए भैया रेड कारपेट पे, ये देखो अभी हम लोग भूल भुल के फर्स्ट फ्लोर पे थे, इस गैलरी में हम लोग चल रहे थे, वो गैलरी 330 फीट लंबी गैलरी थी, 15 फीट मोटी दीवार और 2.5 फीट के रास्ते में थे। उस गैलरी में हम लोग ने कार्य का टनल और सेंटर डोर, उस जमाने का जिसको चोर दरवाजा कहा जाता है। बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पे यहाँ पर टेलीफोन सिस्टम, जब इस बिल्डिंग को बनाया गया था यहाँ से एक मैसेज था, वो मैसेज आज दुनिया में मुहावरा बना हुआ है। लोग कहते नहीं है कि आहिस्ता बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं, बराबर बुराई मत करो। वो इस सेकंड फ्लोर पे गैलरी है, आप में से किसी एक का नाम लेंगे 20 से या 25 फीट की दूरी से हम उससे बात करेंगे, कुछ इस तरीके से जैसे हम लोग सांस ले रहे हैं इस तरीके से आवाज आएगी विस्पर करके, जैसे हॉरर मूवियां देखते हैं इस तरीके की आवाज आएगी हमारे पास। जब आप लोग वो आवाज सुनेंगे, पूरा मैसेज सुन लेंगे, इन 15 से 16 फीट मोटी दीवार के जरिए आप लोग हमारे तक के पहुंचेंगे। जब हम लोग वो आवाज सब लोग सुन लेंगे, जैसे अभी शांत एकदम खड़े ऐसे ही सब लोग खड़े रहेंगे, कोई भी शोर नहीं करेगा, सबको आवाज सुनाई देगी बराबर, किसी एक का नाम लेंगे जो बीच में खड़ा होगा उसका नाम लेंगे, सब लोग सुनेंगे उसका नाम, ठीक है। आइए मैम, आप उधर आ जाइए। अरे बाप रे बाप, ये देखो
हाँ थोड़े लोग उस गैलरी से आ सकते हैं, थोड़े लोग उस गैलरी से आ सकते हैं, उधर से आ जाइए मैम। अंकल थोड़े लोग उधर से आ जाए उस गैलरी से, हाँ इधर से आ सकते हैं। सब लोग यहीं पर गैलरी में खड़े रहेंगे, ऐसे यहीं पर थोड़ा थोड़ा और आगे आ जाए, अपने पीछे वालों को भी थोड़ी जिंगा देंगे। आते रहिए आप, अब सब लोग यहीं पर खड़े रहेंगे। आप में से जो सबसे लास्ट में, अंकल आप अपना नाम बताएंगे। विक्रूस। विक्रूस, हाँ विक्रूस सर का नाम लेंगे। 20 से या 25 फीट की दूरी से कोई भी शोर नहीं करेगा, आवाज सब लोग सुनेंगे। विक्रूस सर, ठीक है? ठीक। भाई गया 25 फुट दूरी पे, वहाँ से विक्रूस नाम लेगा, यहाँ सुनाई देगा। नंबर देना चाहिए, मोबाइल नंबर बताए। इस साइड में आके तो नहीं है, खड़े रहेंगे सब लोग। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ नहीं यहाँ तो रही अरे चुप आ रही है, आ रही है तो साफ फोन कर रहा है। ये कोई बगल में ही है, आज नहीं आ रही है, नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है। तो किसी को महाराजा लोग हवा से बुलाते थे। नायफ आ जा भाई, अरे इधर भी रास्ता, ये ब्लॉक है क्या? अब आ गए हम लोग तीसरे फ्लोर पे, ये देखिए गजब है भाई। तीसरे फ्लोर पे थोड़ा सा हॉल नुमा है, ये देखो इधर भी है। दीवार के भी कान होते भाई, ये सब देख। अरे कोई पान उन खा के भी थूक दिया यार, गजब कैसे कैसे लोग हैं। ये देखो गुटका पान मसाला भूल भुलैया में भी उड़ा दिए। नाइफ रुक जा, आ लेने दे गाइडर को। नहीं था, थोड़ा दूर थूका होता तो ठीक था। जी हाँ सर आ गए। हाँ आ रही थी इस तरीके से ऐसे आवाज, जैसे सांस लेते हैं इसी तरीके से आई। हाँ एकदम सही। अभी फिर से सुना देंगे जो लोग नहीं सुन पाए। तो देखिए ये बिल्डिंग का थर्ड फ्लोर, यहाँ पर जानकारी दी जाती है इमाम बाड़े के बारे में, भूल भुलैया कैसे बनी, किस मटेरियल से बनाया गया, कितने लोगों ने मिलके बनाया इसको, जिन्होंने बनवाया है उनका नाम है नवाब आसिफुद्दौला बहादुर, जो अवध के चौथे नवाब थे। आर्किटेक्ट का नाम है किफायतुल्ला ईरानी, ईरान के रहने वाले थे किफायतुल्ला उनका नाम। 1773 से इस इमामबाड़े को बनाना स्टार्ट किया गया था, 1784 में ये बिल्डिंग कंप्लीट हुई। 11 साल लगे इस इमामबाड़े को बनाने में, 22,000 लोगों ने मिलकर इस इमामबाड़े को बनाया था। 5 साल बिल्डिंग के अंदर कुछ इस तरीके से काम चला था कि रात में तोड़ी जाती थी ये बिल्डिंग और दिन में बनाया जाता था। ऐसा उस टाइम पे क्यों होता था, ऐसा उस टाइम पे इस मारे होते थे क्योंकि लोगों के पास उस टाइम पे कारोबार नहीं था, रोजगार नहीं था उस टाइम पे लोगों के पास ज्यादातर। तो कुछ इस तरीके से उस टाइम के लोगों को कारोबार बांटा गया, रोजगार दिया गया उस टाइम के लोगों को। आधे लोग रात में काम करते थे और आधे लोग दिन में।
रात वाले बिल्डिंग को तोड़ते थे और दिन वाले बिल्डिंग को बनाते थे। कुछ इस तरीके बिल्डिंग में 5 साल काम चला। ऐसा भी नहीं है कि जितनी बनाई जाती थी उतनी तोड़ दी जाती थी, ऐसा नहीं होता था। जैसे मानिए 12 फीट या 14 फीट दीवार उठाई गई है तो उसमें से आधे से भी कम को एक तिहाई तोड़ने का हिस्सा दिया जाता था। तो इस तरीके से लोगों का रोजगार चला उस टाइम पे। कुछ 5 साल कुछ इस तरीके से काम चला, 11 साल लगे इस बिल्डिंग को बनने में। अब इस बिल्डिंग में मटेरियल जैसे आज का मटेरियल है सीमेंट, मोरम, बालू, ईंट और बाबू खड़े हो जाइए। उस टाइम के लोगों में उस टाइम का मटेरियल क्या था, खाने पीने की चीजें जो रिस्क आज हम लोग खाते हैं दाल चावल, उन सब से मिलाकर बिल्डिंग को बनाया जाता था। ये बिल्डिंग उस टाइम का यही मटेरियल ही था। कुछ मटेरियल के हम नाम बताएंगे जो इस दीवारों में यूज करा गया है। जैसे देखिए चने की दाल, उड़द की दाल है, गन्ने का रस है, गुड़ है, गोंद है, समंदर की सीप है, चूना, अंडा, लाल सुर्खी, इन सब से मिलाकर इस बिल्डिंग की दीवारों को बनाया गया। ये बिल्डिंग की दीवारें 15 से 16 फीट मोटी दीवार है, अंदर से एकदम खोखली। जिसने भी सेकंड फ्लोर पे आवाज सुनी होगी कुछ इस तरीके से, क्योंकि ये दीवारें अंदर से एकदम खोखली करी गई। ठीक है, अब इसमें जैसे आज की रूफ डालते हैं, उस टाइम के रूफ कैसे पड़ती थी, आज के रूफ में, आज की छत में हद से ज्यादा आयरन, आधे से ज्यादा आयरन यूज कराया जाता है। लेकिन उस टाइम में आयरन नहीं यूज कराया जाता था, विदाउट सपोर्ट छत को बनाया जाता था। तो इसमें क्या है, एक ब्रिक हमने आप लोग को बॉबली में दिखाई थी, वो ब्रिक है, चावल का भूसा है, गुड़ है, पेड़ का गोंद और गिट्टियां जो होती है उन सब से मिलाकर इसकी छत को डाला गया। अभी हम टॉप पे लेके आएंगे आपको छत दिखाएंगे। तो कुछ इस तरीके से इसकी छत को बनाया गया। अब इस भूलभुलैया कैसे बनी, किफायतुल्लाह ईरानी जब इस इमामबाड़े इस बिल्डिंग को बना रहे थे तो ये बिल्डिंग 4 फ्लोर की, 3rd फ्लोर पे हम लोग खड़े हैं, अभी टॉप पे चलेंगे हम लोग। तो जब इस बिल्डिंग को बनाया जा रहा था, इस बिल्डिंग का वेट ज्यादा हो गया, बिल्डिंग का वेट ज्यादा हो गया मतलब ये बिल्डिंग आगे चल के किसी को नुकसान ना पहुंचे, तो किफायतुल्लाह ईरानी ने बिल्डिंग का वेट कम करा। बिल्डिंग का वेट अभी हम लोग 1st फ्लोर पे थे तो हम लोग 2.5 फीट के रास्ते पे थे, 2nd फ्लोर पे जहाँ पर मैट बिछा वो 10 फीट का रास्ता, अभी हम लोग जहाँ पर खड़े हैं ये 12 फीट का रास्ता है। तो कुछ इस तरीके से बिल्डिंग का वेट कम करा गया। ये जितने भी ब्लॉक से देख रहे हैं हम लोग 1024 रास्ते जितने भी हैं, ये सब बिल्डिंग का वेट कम करा गया। किफायतुल्लाह ईरानी बिल्डिंग का वेट कम करते गए, 1024 रास्ते बने, जिसको हमने और आपने भूल भुलैया का नाम दिया। 1857 में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पर हमला बोला था, जब गदर हुई थी यहाँ पर, तो उन लोगों ने जब इस बिल्डिंग के अंदर वो लोग आए थे, यहाँ से वो लोग 10-15 मिनट के बाद जब बाहर निकले हैं, तो उन लोगों ने इस बिल्डिंग का नाम लैबरेंथ रखा। तब से इस बिल्डिंग को लैबरेंथ और भूल भुलैया के नाम से जाना जाता है। नीचे जो लोग भी मेरे साथ थे उन लोग को हमने दिखाया नीचे, जैसे इमामबाड़े के मायने होते हैं सर, इमाम माने अवतार और बाड़ा मतलब घर होता है। जैसे मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा होता है वैसे इमामबाड़ा होता है पूजा करने के लिए। ये एक प्रेयर स्थल है, यहाँ पर लोग आते हैं अपने, जैसे प्रेयर करने आते हैं वैसे यहाँ पर मजलिस मातम किया जाता है। यहाँ पर मुहर्रम का फेस्टिवल आता है, यहाँ पर मजलिस मातम होता है, जुलूस किए जाते हैं। तो कुछ इस तरीके, नीचे जो लोग मेरे साथ नहीं थे उन लोग को चल के दिखाएंगे। तो अभी हम लोग चलेंगे टॉप पे चलेंगे, वहाँ पर 10 मिनट बैठेंगे, 10 मिनट के बाद हम लोग नीचे उतरेंगे। जिस गेट से हम लोग ने एंट्री करी है वो गेट से हम लोग को बाहर निकलना है। अब हम लोग भूल भुलैया के अंदर 1024 रास्ते हैं, 24 रास्ते खुले हैं, 1000 रास्ते पर क्यों बंद है, क्यों बंद है, बंद कर दिए गए, कुछ तो वजह होगी ना। नीचे से भी थे रास्ते जो बंद कर दिए गए, जो बगैर टिकट के होते थे आ जाते थे। और बहुत से लोग जैसे अभी आप गाइड कर रहे हैं, बहुत से रास्ते ऐसे हैं कि आप उधर जाएंगे तो डायरेक्ट नीचे ही चले जाएंगे, जिस तरीके से बंद करे गए रास्ते। ठीक है, अच्छा अच्छा, आइए अब हम लोग टॉप पे चलेंगे, 10 मिनट बैठेंगे। ये बाहर का हिस्सा देख सकते हैं, जबरदस्त राज भाई। यहाँ पर एक देखिए लेडीज और जेंट्स हो, नहीं एक लेडीज एक जेंट्स बच्चे के साथ,
आ जाओ भाई, अब इधर से ऊपर हम, ये कितने फ्लोर पे? चौथे फ्लोर, टॉप फ्लोर पे ना। ये देखिए हम आ गए टॉप फ्लोर पे। आए है, पूरा एकदम देखिए जबरदस्त, एकदम दावत खाने वाला माहौल है यार। एकदम सही जगह पे अभी आए हैं, तो इधर कचौड़ी पूड़ी उड़ी लग जाए तो फिर मजा आ जाए। ये देखिए कितने गुंबद हैं, ये तो गिनना पड़ेगा या तो फिर अभी गाइडर खुद ही बताएगा कि ये कितने गुंबद यहाँ पर हैं। अभी देखिए हम एकदम टॉप फ्लोर पे आ चुके हैं और यहाँ से देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत सा नज़ारा। और देखिए काफ़ी लाइटिंग वाइटिंग लगी है। ये देखिए ज़बरदस्त यार, वाकई में बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा देख सकते हैं। वाकई में यार बहुत ही खूबसूरत सा यहाँ का नज़ारा है और मौसम एकदम बदरी वाला है लेकिन ठंड नहीं है। देखिए जैकेट वैकेट सब कुछ उतार दिए हैं। तो अभी हम एकदम भूल भुलैया के एकदम टॉप पे आ चुके हैं, फिर यहाँ से अभी हम जाएंगे नीचे की तरफ। तो देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत सा नज़ारा और यहाँ से मैं आस पास की एरिया भी दिखाता हूँ। अब देखिए इस विंडो से देखिए हम इस साइड वाली छत पर आ गए और देखिए काफ़ी सारे देखिए गुम्बद यहाँ पर हैं और ये लखनऊ शहर पूरा देखिए यहाँ से दिख रहा है, ये देख सकते हैं। अब पता नहीं कि वीडियो अलाउड नहीं है, बोल रहे हैं वीडियो अलाउड नहीं है, देख रहे हैं। वाकई में ज़बरदस्त, और काफ़ी ग्रुप है, सबका अपना अपना ग्रुप है, देख सकते हैं लोग घुमा रहे हैं। ये देखिए ये सीढ़ी है, इसी सीढ़ी से हम लोग ऊपर आए थे। अच्छा ये कितना गुंबद है ये टोटल छोटा बड़ा मिला के है? नहीं मालूम। और देखिए एक रास्ता यहाँ पर भी है और छत पे बारिश हो रही है ना, तो बारिश के लिए यानी पानी का निकाल जो है देखिए यहाँ से बना है, ये सीधे यहाँ से होते हुए ये यहाँ से बाहर की तरफ पानी चला जाता है। और इधर पूरा यार, अरे ये पूरा डक देखो कैसे बना हुआ, पूरा नीचे तक गया हुआ, इधर पूरा जंगली जंगल है, देख सकते हो नक्काशी वक्काशी देखिए काफ़ी खूबसूरत बनी हुई है। एशिया की नंबर वन छत कही गई थी, 330 फीट लंबी छत विदाउट सपोर्ट। इस छत से लखनऊ की आधी सिटी दिखती है, अपने किसी साइड भी देखेंगे आधी सिटी दिखेगी। इस साइड पे न्यू हैदराबाद है, अलीगंज निशादगंज जैसे एरिया आते हैं। इस साइड चारबाग स्टेशन, नाका चारबाग स्टेशन जैसे एरिया आते हैं। इस साइड ओल्ड लखनऊ है और इस साइड पे न्यू लखनऊ, ठीक है। ओल्ड लखनऊ में क्या था, हम लोग दिल्ली गए हैं, दिल्ली में जामा मस्जिद देखी है, जामा मस्जिद की कॉपी यहाँ पर बनाई गई है। सामने देखिए उस घर में, वहाँ पर गोल्डन कलर की दिखेगी आपको, जामा मस्जिद है लखनऊ में, उसकी कॉपी बनाई गई है जामा मस्जिद। रेड कलर की बिल्डिंग देख रहे हैं, क्लॉक टावर बिल्डिंग सामने, रेड कलर की क्लॉक टावर बिल्डिंग, वहाँ पर पिक्चर गैलरी और छोटा इमामबाड़ा है, जो अभी आप लोग इस टिकट से जाएंगे, जो इस टिकट में वैलिड है आपके। ये देखिए ये इस इमामबाड़े की मस्जिद आसिफी मस्जिद के नाम से जानी जाती है, आसिफी मस्जिद। इसी मस्जिद के आगे देखिए रूमी गेट, जैसे दिल्ली में इंडिया गेट है वैसे यहाँ का रूमी गेट। रूमी गेट का जो कलर है वो ओरिजिनल कलर है, अभी G20 आया तो इस बिल्डिंग को पेंट कराया गया। रूमी गेट की ऊंचाई है 60 फीट। रूमी गेट के आगे है गोमती नदी, जो बावली ने मेरे साथ थे उन लोग को बताया था, गोमती नदी रूमी गेट के आगे। ये सामने व्हाइट कलर की टीले अली मस्जिद, आपके बैक साइड पे देखेंगे व्हाइट कलर की बिल्डिंग यहाँ से बनना स्टार्ट हुई है और इसका एंड वहाँ पर हुआ है। ये KGMU मेडिकल कॉलेज के नाम से जानी जाती है बिल्डिंग, किंग जॉर्ज, ठीक है, किंग जॉर्ज ना, हाँ किंग जॉर्ज, ठीक है, किंग जॉर्ज, किंग जॉर्ज, किंग जॉर्ज, वही तो बोल रहे हैं, KGMU, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे जिस गेट से हम लोग ने एंट्री करी थी उस गेट। अब देखिए यहाँ पर दो रास्ते हैं, एक रास्ता है ट्राई करने वाला, एक रास्ता डायरेक्ट, 84 स्टेप है डायरेक्ट उतरने में, और यहाँ से ट्राई करेंगे 5 मिनट से 10 मिनट लगते हैं हम लोग को।
सब लोग ट्राई करेंगे रास्ता। सब लोग पांच मिनट गेम खेलते उसके बाद निकलेंगे। खुद से आप लोग को अब रास्ता ढूंढना है। अच्छा, खुद से निकलना है, खुद से। और कहीं गुम हो गए तो ट्रेन छूट जाएगा नागपुर का। दोनों रास्ते बता दिए सर, एक डायरेक्ट वाला भी बताया आप लोग को। हाँ। नहीं, थोड़ा ट्राई मारने से बेहतर है। नायब ट्राई मारेगा, आजा ट्राई मार ले। गुम हो जाए कोई बात नहीं। हाँ, जबरदस्त यार। इधर से हम लोग गए थे ना? नहीं नहीं, हम लोग तो वो वाले गेट से ऊपर चढ़े थे। आइए। अरे बड़ा खतरनाक है भाई। चलिए इधर से स्टेप उतरेंगे, अपने से राइट हैंड वाली स्टेप उतर के सामने रेड कलर का मैट बिछा, वहां पर रुकेंगे। बहुत पतला पतला रास्ता है यार, गजब। यहाँ से लेफ्ट बोला था ना, ये तो फिर ऊपर इधर से चला गया। इधर इधर राइट, इधर ये देखो। हाँ, रेड कलर का मैप। अरे ये क्या है भाई, इधर भी रास्ता है, उसके बाद इधर भी रास्ता है। ये राइट में बोले थे ना। हाँ, इधर भी सीढ़ी है। ये सीढ़ी किधर गई है? यही भूल बोले, इसी में पूछा था क्या, पता है नहीं, अभी आने दो भाई। यहाँ पे रुकने के लिए बोले थे ना? मना है। अच्छा, आगे जाने के बाद फिर सीढ़ी है। रेड कलर, उसके बाद इधर से। ए भाई, ये तो सीधा, इधर भी सीधा है। नीचे आ गए तो जाना किधर है? कहीं जाइए, बस निकल जाइए। हाँ भैया, देखिए ये जो रास्ता अभी हम लोग ने स्टेप खत्म करे, यहाँ पर हम लोग को बाहर निकलने में यहाँ से हाफ मिनट से भी कम लगेगा। यहाँ पर हम आपको 5 मिनट देंगे, 5 मिनट में आपको रास्ता ढूंढना है। यहाँ पे 4 रास्ते हैं, 3 गलत 1 सही। लॉन्ग रास्ता गलत है, शॉर्ट रास्ता सही है। सही रास्ता ढूंढ के हम लोग को बिल्डिंग से बाहर निकलना है, ठीक है? चलिए सब लोग ये वाले से, यहीं पर रास्ता है। ये हाफ मिनट से निकलने का, कौन सा ये वाला देख लिए, हो सकता है यही है। चलो भाई, इससे ज्यादा रास्ता मैं आप लोग को बता। हां नायक, यहां पर से हाफ मिनट से आ जाओ भाई, अब अपने को ढूंढना है, ठीक है? ये देखिए दीवार वार यार, यहाँ से तो ये रास्ता बंद है। नायफ आजा भाई, आजा 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 आजा। अब ये भाई जो है टास्क दे दिया है हमें जो है ढूंढने के लिए। अबे ये तो एंड है, वापस वापस कुछ नहीं है। ये तो हम लोग इधर रह गए। अरे यार ये तो गड़बड़ा गए भाई, ये वाला है, यही है। अरे चाचा इधर नहीं है अंकल, उधर भी लास्ट है, एंड है। इधर भी लास्ट है, तो चलिए अब ऊपर, यानी ऊपर से फिर। ये तो अचंभों में डाल दिए हम लोग को। इधर भी रास्ता एंड, ओ तेरी, इधर देखें, ओ इधर भी एंड है। इतनी मेहनत से यहाँ पे आए, बेकार हो गया। आ जाओ इधर, उधर भी बंद है, उधर भी बंद है, इधर भी बंद है। आ भाई इधर, नायब आ जा इधर, इधर ढूंढे। अरे
आ जाओ भाई, टास्क देखे हम लोग पूरा कर पाते हैं या नहीं। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। नायफ दिमाग दौड़ा यार मेरे भाई, सब तो यार एंड है। इधर देखते हैं मेरे भाई, क्या भाई नहीं मिला रास्ता? अरे भाई रास्ता तो सब मिला, सब मिल गया, रास्ता नहीं ढूंढ रहे। हाँ ऐसा रास्ता ढूंढ रहे जहाँ हरा दे, जहाँ घूम हो जाओ। हाँ हाँ बस सही है। क्या भाई, क्या है क्या भाई, पूरा दौड़ दिया कहीं रास्ता में नहीं मिला। हाँ अंकल आपको भी नहीं मिला, आपको भी नहीं मिला, फिर यहीं पे आ गए। लो इधर आए, कौन से गए? अरे यहीं पे तो है, यहीं पे छोड़े थे ना हमको ये। हाँ वहीं पे फिर आ गए। इसमें कुछ नहीं, हम लोग आए हैं ना, पकड़ लीजिएगा इधर से, चलिए ऊपर से। अभी और घूमे, उधर घूमे हैं आप? हाँ आ जाए। हाँ भाई हाँ, अभी और घूम, और ट्राई मारे, मिला जुला के घूम करके फिर यही आ गए। हो गया ट्राई सबका, रास्ता ट्राई हो गया, कोई भी नहीं आएगा। यहीं पर रास्ता है, अभी आप लोग उधर गए थे वो रास्ता है आपका वहीं पर। अच्छा पहले के लोग क्या बनाते थे बिल्डिंग को, जैसे आज के लोग बनाते हैं स्टेप, जब हम लोग उतरेंगे तो अपने कमरे में आते हैं, लेकिन आज लोग यही समझते हैं कि उतरना है इस बिल्डिंग से नीचे, उतरना नहीं है हम लोग को, स्टेप चढ़ना है। जब हम लोग चढ़ेंगे तो हम लोग बाहर निकलेंगे, हम लोग टॉप पे थे, हम लोग खाली ये स्टेप उतरे हैं नीचे आ गए, अब हम लोग एक स्टेप चढ़ेंगे डायरेक्ट बाहर निकल जाएंगे। ठीक है 45 स्टेप जहाँ पर हम लोग ने स्टार्ट करी थी बिल्डिंग को वहीं पर निकलेंगे। चले चले ओके। अच्छा और वो जगह कहाँ है ओ भाई, जो ऊपर से माचिस की तीली अच्छा वो बंद हो गया है। अरे सब लोग मेरे साथ वाले हैं ना सब? हाँ हाँ। और जो लोग को भी बाहर निकलना है वो भी आ जाए। काफी रश है देख सकते हैं, यानी वो वाला वो हॉल में जो माचिस खिड़की विंडो के पास जलाते तो बंद हो गया। हाँ ये देख सकते हो भाई। देखिए हम लोग दो बार यहाँ पर आए थे बराबर, दो बार यहाँ पर आए, रास्ता ट्राई करा, ये ऊपर आ रहे हैं, इस मारे लोग ये सोच के वापस हो गए यहाँ। हाँ यहाँ पर देखिए चार रास्ते हैं, ठीक है, एक रास्ते से हम लोग चढ़ेंगे, एक सामने जा रहे हैं जो रास्ता नहीं है, एक सामने है, एक राइट एक लेफ्ट। अब किधर चढ़ना है हम लोग को? राइट राइट राइट। अच्छा राइट ऐसा ना छत पे निकल जाए। अच्छा राइट तो भाई को बोल दिए हैं। हाँ भाई नायफ आ जा भाई, ये देखो भाई। अरे लग तो ऐसे ही रहा कि फिर वहीं आ गए। भाई भूल भुलैया इसी का नाम है ना। ये देखो यार उधर से भी पब्लिक आ रही है, इधर से भी आ रही है, इधर से भी, इधर से भी, चार तरफ से रास्ता है पूरा एकदम गजब यार। आगे बटे आइए आप लोग। ऐसी था ना कौन कौन ऐसी बोले नहीं कौन एक और आइए पीछे चल रहा है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, पूरा ही देखिएगा आप, नीचे उतर के खड़े हुए बस नीचे आ गए हम लोग। आ गए दस मिनट कुछ भूल भुलैया नहीं। चलिए नीचे उतरती रहिए आप लोग। हम लोग देखिए चार रास्ते बटो बैठे थे।
हाँ किधर चल रहे नीचे उतरिएगा नीचे यहाँ से नीचे उतरिए बोलिए क्या बोल रहे हैं ऊपर जाना है आइए ऊपर आएंगे सब लोग ऊपर धीरे 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 उसको ये देखे इधर से हॉल में चले जाएंगे इधर साइड हो जाए साइड उधर नहीं उधर नीचे उतरिएगा हाँ भाई ऊपर आ जाओ भाई ऊपर पूरा ग्रुप ऊपर आ जाओ आगे अरे वाह सही एकदम बच्चा सही पकड़ा 45 सीढ़ी नीचे जाएंगे चले जाएंगे बाहर देख सकते हैं अब यहाँ से हम चलते हैं नीचे क्योंकि हमारा भूल भुलैया का सफ़र हो गया पूरा ठीक है दोस्तों देखिए आने वाले आ भी रहे हैं सीढ़ी देखिए पूरी एकदम खड़ी सीढ़ी है यार पैर स्लिप हो गया तो सीधे नीचे ये देखिए ये देखिए भूल भुलैया हम आ गए आउटसाइड में यहाँ से हम सीधे बाहर और आने वालों की तादाद देखिए काफ़ी लगी है तो बहरहाल ये थी भूल भुलैया का हमारा सफर यहीं पे खत्म हुआ तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा तो फिर चलिए किसी और वीडियो मिलेंगे तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ अपना ख्याल रखना दुआ में याद रखना।